हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th। क्लास 11th की हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 तक हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेलुएट आयोटा पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा पूरे की पावर 25 और होल पावर कितनी है 3। अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आयोटा की पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25 है, अलग अलग करेंगे 1 की पावर 25 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 25 और पूरे की पावर कितनी है हमारे पास 3 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 18 को हमने ब्रेक किया। अब आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। तो हम जो भी हमारे पास जितनी भी बड़ी वैल्यू दे रखी होगी सब को हम ब्रेक करते हैं आयोटा की पावर 4 में। तो 18 को हमने ब्रेक कर लिया, 4 जा 16 प्लस 2 18। इसी तरह 25 को ब्रेक कर लेंगे, 1 की पावर 25 क्या होगा 1 और 25 पावर को ब्रेक कर लेंगे, 4 6 जा 24 प्लस 1 25 पूरे की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 जा 16 है, 16 पावर को अलग कर दिया और 2 पावर को अलग कर दिया, तो क्या लिखेंगे आयोटा 4 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2 को अलग कर दिया प्लस 1 बाई आयोटा 4 की पावर 6 को अलग कर लेंगे इंटू कितनी पावर बची 1, आयोटा की पावर 1 को अलग कर लिया और होल पावर है हमारे पास 3 इज इक्वल टू। अब आयोटा 4 की पावर, आयोटा 4 है ये क्या है हमारे पास 1 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आयोटा स्केयर प्लस इधर 1 बाई आयोटा 4 की पावर क्या है 1 की पावर 6 करेंगे क्या आएगा 1, तो क्या बचेगा 1 बाई आयोटा और पूरे की होल पावर कितनी है 3। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस। अब भी डिवाइड में कभी भी डिनोमिनेटर में हम आयोटा को नहीं रखते, इसलिए हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन 1 बाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा और डिवाइडेड बाई आयोटा पावर 3, क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा की और 1 की मल्टीप्लाई आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर और पूरे की पावर 3 इज इक्वल टू -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या आया आयोटा पावर 3। अब हम a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और कितनी पावर है माइनस की 3, तो इसलिए हमने -1 की पावर 3 को बाहर रख लिया, अंदर क्या बचेगा दोनों प्लस आ जाएंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 क्या आएगा -1 इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको ओपन किया, 1 का क्यूब क्या आएगा 1, आयोटा क्यूब क्या आएगा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और 1 की मल्टीप्लाई 3 आयोटा और इसकी 3 बन जा 3 आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लाई 3 आयोटा स्केयर, बाहर -1 है अंदर क्या आ जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2 आयोटा और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 तो ये क्या हो जाएगा -3, बाहर है -1 2 आयोटा एज इट इज़ और 3 में से 1 जाएगा क्या आएगा -2, तो -1 इंटू -2 प्लस 2 आयोटा, माइनस को अंदर लेके गई क्या आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये -2 आयोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 और Z2, प्रूव दैट, प्रूव करेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, जो रियल पार्ट निकालेंगे हम जब Z1 Z2 का तो क्या आएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। कैसे प्रूव करते हैं, लेट Z1 हमारे पास क्या मान लिया x प्लस आयोटा वाई और Z2 हमने क्या मान लिया a प्लस आयोटा बी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए हमारे पास। अब हमें किसके लिए अप्लाई करना है, इनकी मल्टीप्लाई के लिए Z1 इंटू Z2 x प्लस आयोटा वाई इंटू a प्लस आयोटा बी। Z1 Z2 इज इक्वल टू x की और a की मल्टीप्लाई एक्स ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई एक्स बी आयोटा प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई आयोटा प्लस बी वाई और आयोटा 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 स्केयर Z1 Z2 एज इट इज़। अब इसको लिखेंगे एक्स ए और इसको क्या लिख दिया प्लस बी वाई आयोटा स्केयर, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा एक्स बी प्लस ए वाई,
जेड वन जेड टू इज इक्वल टू एक्स ए, आयटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो क्या आ जाएगा माइनस बी वाई प्लस, आयोटा बाहर ले रखा है एक्स बी प्लस ए वाई। हमें किसके लिए करना है, रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट है इसका जेड वन जेड टू का, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आया एक्स ए माइनस वाई बी। अब एक्स कहाँ से आया है, एक्स हमारे पास क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड वन, क्या लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ जेड वन। और ए, ए हमारे पास क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड टू, बीच में क्या आया माइनस वाई, वाई हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन, और बी हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। यही हमें प्रूव करना था कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, रिड्यूस वन बाई वन माइनस फोर आयोटा माइनस टू बाई वन प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर नेक्स्ट है इन टू थ्री माइनस फोर आयोटा डिवाइडेड बाई फाइव प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, वन बाई वन माइनस फोर आयोटा माइनस टू बाई वन प्लस आयोटा इन टू थ्री माइनस फोर आयोटा बाई फाइव प्लस आयोटा। अब इसकी एलसीएम लेंगे, क्या आएगा वन प्लस आयोटा वन माइनस फोर आयोटा, इसके और इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी वन प्लस आयोटा माइनस टू की और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे टू इंटू वन माइनस फोर आयोटा इन टू में एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू। अब इसकी करो वन प्लस आयोटा माइनस टू वन जा टू और टू फोर जा एट माइनस माइनस प्लस एट आयोटा बाई वन प्लस आयोटा और वन माइनस फोर आयोटा इन टू एज इट इज। अब देखो वन माइनस टू और एट और वन नाइन, नाइन आयोटा माइनस वन और नीचे की मल्टीप्लाई कर देंगे हम डिनोमिनेटर की क्या आएगी वन वन जा वन, वन की और माइनस फोर आयोटा और आयोटा की और वन की आयोटा और माइनस फोर आयोटा स्केयर इन टू एज इट इज नाइन आयोटा माइनस वन। इसको करेंगे आयोटा स्केयर क्या होता है माइनस वन माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव, सॉरी प्लस फोर हो जाएगा मल्टीप्लाई होगी ना, तो प्लस फोर और वन फाइव और माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री आयोटा इन टू ये एज इट इज है थ्री माइनस फोर आयोटा बाई फाइव प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन आयोटा नाइन फोर जा थर्टी सिक्स आयोटा स्केयर माइनस थ्री और माइनस माइनस प्लस फोर वन जा फोर आयोटा डिवाइडेड बाई फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव वन जा फाइव आयोटा माइनस थ्री फाइव जा फिफ्टीन आयोटा प्लस माइनस माइनस थ्री आयोटा स्केयर 27 आयोटा 4 आयोटा कितना आ जाएगा 31 आयोटा प्लस। अब 36 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 36 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 25 और ये क्या आ जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 3 और 15 में से 5 जाएगा माइनस 10 आयोटा। अब इज इक्वल टू में 31 आयोटा प्लस इसमें से माइनस कर दिया 33 और नीचे 25 प्लस 3 28 माइनस 10 आयोटा। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे अपोजिट साइन से या माइनस से प्लस से रैशनलाइजेशन कर दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 31 और 28 की मल्टीप्लाई 868 आयोटा प्लस 31 और 10 की मल्टीप्लाई 310 आयोटा स्क्वेयर 33 और 28 की प्लस 924 प्लस 33 और 10 की मल्टीप्लाई 330 आयोटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर 28 का स्केयर माइनस 10 आयोटा का होल स्केयर। अब 868 और 330 दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 1198 आयोटा माइनस। अब 310 आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है माइनस वन तो क्या आ जाएगा माइनस 310 प्लस 924 डिवाइडेड बाय 28 का स्केयर आएगा 784 प्लस 10 का स्केयर कितना आएगा 100 और आयोटा स्केयर माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या आ जाएगा 784 प्लस 100 1198 आयोटा
प्लस इसमें से माइनस करेंगे 614 डिवाइडेड बाय 884। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 599 आयोटा प्लस 307 इंटू 884, कैंसिल कर देंगे इसको, ऊपर क्या आएगा 599 आयोटा प्लस 307 डिवाइडेड बाय 442 अपॉन। अब इसको अलग अलग करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है तो रियल पार्ट बाय 307 बाई 442 प्लस 599 बाई 442 आयोटा, ये हमारे पास आ गए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू रूट ए माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा d, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर। एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है, अब इसके लिए काम क्या करेंगे, जब हमारे पास डिवाइड में आयोटा आता है तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ए माइनस आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई, या माइनस है तो प्लस से कर देंगे, सी प्लस आयोटा डी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी ए की और उसके मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा आयोटा ए डी, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बी सी आयोटा, और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बी डी आयोटा स्केयर अपॉन सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी, तो क्या कर देंगे सी स्केयर माइनस डी स्केयर। अब इसका करेंगे ऊपर हमारे पास देखो ए सी और स्केयर है तो इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस बी डी, प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्केयर माइनस डी स्केयर, और आयोटा स्केयर माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी स्केयर। उसके बाद हमारे पास क्या है x माइनस आयोटा डी सॉरी x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू हमारे पास आया ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा हमने बाहर ले लिया ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब देखो उसके बाद जब तक हमारे पास इसमें रूट है, रूट को हम ख़त्म करेंगे तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, और रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा स्केयरिंग बोथ साइड, तो हम इसमें भी वही करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे क्या आएगा x माइनस आयोटा वाई का स्केयर, इधर क्या आ जाएगा स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आयोटा स्केयर माइनस टू एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू, ये एज इट इज आएगा। इसको ओपन किया एक्स स्केयर माइनस आयोटा स्केयर क्या होता है माइनस वन, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई स्केयर माइनस टू एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू रियल इसको दोनों का जो एलसीएम था उसको सेपरेट कर लिया ए सी प्लस बी डी बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस आयोटा को बाहर रख लिया ए डी माइनस बी सी बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब देखो हमारे पास दोनों साइड एक बार रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे रियल को रियल से एंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से। ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट से, रियल पार्ट क्या है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इधर रियल पार्ट क्या है ये है आपके पास, तो हम लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर, एंड इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर इमेजनरी पार्ट क्या है ए डी माइनस बी सी बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर। इसको हमने क्या नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमने पहले पढ़ रखा है कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर किसके इक्वल है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर प्लस इंटू वाई स्केयर फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग फर्स्ट, इसमें हमने फर्स्ट का यूज़ कैसे किया एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की वैल्यू है हमारे पास ये, तो इसकी जगह हमने यूज़ कर दिया ए सी प्लस बी डी वाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब इसका स्केयर कर देंगे हम, ये हमारे पास क्या टू एक्स वाई, इसका अगर स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर एक्स स्केयर वाई स्केयर, तो इसका हमने स्केयर कर दिया ए डी माइनस बी सी वाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल स्केयर। अब दोनों का हमने क्या किया पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल स्केयर, और अब इसका स्केयर कॉमन ले लिया ये ले लेंगे तो हम क्या आ जाएगा एलसीएम
इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ गए। ऊपर क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी का होल स्केयर प्लस यहाँ से क्या आएगा, इसका स्केयर आ गया एलसीएम में, तो ये क्या आएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर इसका स्केयर करेंगे, ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस टू ए बी, टू ए बी में हमारे पास क्या आ जाएगा टू ए बी सी डी प्लस। अब इसका करेंगे, इसमें क्या आएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्केयर ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर माइनस टू ए बी सी डी डिवाइडेड बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर का वॉल स्केयर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा ए स्केयर, इन दोनों में से हमने कॉमन क्या ले लिया ए स्केयर सी स्केयर, और इधर क्या है ए स्केयर डी स्केयर, दोनों में से स्केयर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस। इन दोनों में से हमने कॉमन क्या ले लिया बी स्केयर, तो क्या आ जाएगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर प्लस डी स्केयर का होल स्केयर। अब दोनों में कॉमन क्या है सी स्केयर प्लस डी स्केयर इंटू क्या बचेगा ए स्केयर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस बी स्केयर। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर अपॉन सी स्केयर प्लस डी स्केयर। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म हमने एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ी थी, अब उसी में देखो कैसे करना है। 1 + 7i / 2 - i² जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, 1 + 7i / 2 - i² इसको ओपन करेंगे एज इट इज, स्केयर ओपन करेंगे 2 का स्केयर 4 + i² - 2 × 4i इज इक्वल टू 1 + 7i आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 4i² क्या होता है -1 - 4i, ये आ जाएगा 1 + 7i, 4 में से बन जाएगा 3 - 4i। अब इसका हम डिवाइड में है तो रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 + 7i / 3 - 4i इंटू 3 माइनस है तो प्लस आ जाएगा 3 + 4i डिवाइडेड बाई 3 + 4i, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 + 3 + 3 + 4 = 4i, 7 + 3 = 21i + 7 + 4 = 28i² ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्केयर 3 का स्केयर - 4i² इसको ओपन किया 3, और ये हमारे पास 28i² क्या है -1 माइनस हो जाएगा तो -28 आ जाएगा, 3 - 28 प्लस 21 और 4 क्या आएगा 25i, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा और 4 का स्केयर आएगा 16i². आयटा स्केयर क्या होता है -1 हो जाए तो प्लस है 16, क्या आ जाएगा 28 में से 3 माइनस कर देंगे क्या आएगा 25i -25/25 आ जाएगा। ऊपर से हमने 25 कॉमन ले लिया, क्या आएगा -1 + i / 25, ये कैंसिल हो गया, जेड हमारे पास क्या आ गया -1 + i। जब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, लेट आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी से, तो आर कोस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -1, एंड आर साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ऑन स्केयरिंग एंड एडिंग, स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे, यहाँ क्या आएगा आर स्केयर और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये कोस स्केयर थीटा प्लस, इधर से आर स्केयर बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्केयर + 1 का स्केयर, इधर आर स्केयर आएगा ये हमारे पास क्या हो गया 1 आ जाएगा, ये क्या आया 1 + 1 = 2, आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा √2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, स्केयर को इधर लेके आएंगे हमारे पास क्या आएगा रूट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी आर की वैल्यू √2। अब इस वैल्यू को हम वापस रिप्लेस करेंगे, आर हमारे पास √2 आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू -1, इधर √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई इसको इधर लेके आए -1/√2, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। अब हम देखते हैं कि कोस की नेगेटिव और साइन की पॉजिटिव कहाँ आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा हमारा कहाँ लाई करता है सेकंड में, सेकंड में लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पाई में से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू π - π/4 कितना आ जाएगा 3π/4। जेड इज इक्वल टू आर को हमने बाहर लिख लिया √2 इंटू कॉस एंगल क्या है 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ये हमारे पास क्या आ गया इसकी पोलर फॉर्म। नेक्स्ट है सेकंड,
जेड इज इक्वल टू 1 + 3i बाई 1 - 2i। सबसे पहले हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे फिर क्या आ जाएगा, 1 + 3i इंटू 1 + 2i बाई ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 आ जाएगा, 1 2 जा 2i प्लस 3 1 जा 3i और 3 2 जा 6i स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 और आयटा स्क्वेयर आ जाएगा। ऊपर क्या आया, 1 और 6i² है माइनस 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 - 6 और 3 + 2 5i और 1 + 4 आ जाएगा। ऊपर 1 - 6 है, 1 - 6 क्या होता है हमारे पास, -5 + 5i बाई 5, ऊपर से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, -1 + i इंटू डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल। अब क्या आया, -1 + i, वही जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है, अभी इसका फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल सेम वही इक्वेशन आ गई हमारे पास, उसी इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द इक्वेशन 3x² - 4x + 20/3 = 0। इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कैसे, बाई में हम 1 लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास एलसीएम लेना है, तो 3 LCM आ जाएगा, 3 3 = 9x² - 3 4 = 12x + 20। अब जो डिनोमिनेटर है उसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बचेगा, 9x² - 12x + 20 = 0। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0, ए की वैल्यू क्या आएगी, 9, बी की वैल्यू -12 और सी की वैल्यू 20, तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या, -12 - 12 का स्क्वेयर - 4, ए की वैल्यू हमारे पास 9 है और सी की वैल्यू 20, -12 स्क्वेयर क्या आएगा, 144 माइनस 4 9 जा 36, 36 2 जा 72 और क्या आएगी, 0, 144 में से माइनस करेंगे क्या आएगा, -576। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, -b + - discriminant / 2a, -b की वैल्यू क्या है, -12 + - रूट लगाएंगे, -576/2 और ए की वैल्यू 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 प्लस माइनस, और इसको माइनस को हटाने के लिए हमने जब भी हमारे पास रूट में माइनस आता है तो हम क्या लिखते हैं उसकी जगह आयोटा, एक्स इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, अब ये 576 है किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 24 और आयोटा बाई 18, ऊपर से कॉमन क्या लेंगे, 6 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + -6 = 4i / 18, 6 से कैंसिल कर देंगे 3, अब इधर क्या आ जाएगा, 2x = 2/3 + -4/3i। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द इक्वेशन x² - 2x + 3/2 = 0। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2x² 2 2 जा -4x और +3 = 0, एलसीएम को अपोजिट साइड लेके गए 0 हो जाएगा, 2x² - 4x + 3 = 0। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू 3। डी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, √b² - 4ac, बी हमारे पास क्या है, -4 का स्क्वेयर -4 और ए हमारे पास 2 है और सी 3, -4 का स्क्वेयर 16, -4 2 जा 8 8 3 जा 24, 16 - 24 क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और -8 का हमारे पास क्या है, रूट, एक्स इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac, -b की वैल्यू क्या है, -4 + - ये हमारे पास का है √-8/2 इंटू ए की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 + -√8 और माइनस की जगह हमने क्या कर दिया, आयोटा। अब ऊपर से हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 + -√8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2i/4, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, 2 + -√2i/4, 2 से कैंसिल कर दिया 2 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अब 2/2 + -√2/2i, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या आया, 1 + -√2/2i। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द इक्वेशन 27x² - 10x + 1 = 0।
अब ये हमारे पास इसको कंपेयर करेंगे, सिंपल इक्वेशन है तो कंपेयर करेंगे डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू 27, बी इज इक्वल टू -10 एंड सी इज इक्वल टू 1। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या है -10 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू 27 और सी की वैल्यू 1। -10 का स्केयर क्या आएगा 100, माइनस इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 108, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा -8। अब x इज इक्वल टू -b, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में माइनस और b की वैल्यू क्या है -10, प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या है √-8/2 और a की वैल्यू 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, प्लस माइनस और आयोटा है सॉरी माइनस को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे आयोटा 8 आयोटा/54, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया क्या आया 54, एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 8 को हम क्या लिख देंगे 2√2 आयोटा/54 इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके क्या आएगा 5 प्लस माइनस √2 आयोटा/54, 2 से कैंसिल कर दिया 27, एक्स इज इक्वल टू 5/27 प्लस माइनस √2/27 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 21x² - 28x + 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी 21, b की वैल्यू -28 और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10। d निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b हमारे पास क्या -28 का स्केयर -4 और a की वैल्यू 21, c की वैल्यू 10, इसका 28 का स्केयर करेंगे 784, माइनस इनके मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 840, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा -56। अब -56 को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस b की वैल्यू क्या है -28 प्लस माइनस डी हमारे पास आया -56/2 × a की वैल्यू 21, 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 इज सॉरी प्लस माइनस, इसको माइनस को हटाने के लिए क्या लगा दिया √56/42। अब x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस 56 को मैंने ब्रेक कर लिया 56 14 मल्टीप्लाई 4, 4 किसका रूट होता है 2 का, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2√14, ये हमारे पास आया √14/42 इज इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आया 14 + √14 आयोटा, 2 से कैंसिल कर दिया 21 आ जाएगा, अब अलग अलग करेंगे 14/21 प्लस माइनस √14 आयोटा/21, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 × 14 = 7 × 3 = 21 प्लस माइनस √14/21 आयोटा, ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 - आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 + आयोटा, फाइंड मॉडुलस ऑफ z1 + z2 + 1/z1 - z2 + 1, पूरे का क्या दे रखा है मॉडुलस। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे z1 + z2 + 1, जेड वन हमारे पास क्या है 2 - आयोटा प्लस जेड टू क्या है 1 + आयोटा और प्लस में क्या है 1 डिवाइडेड बाई जेड वन 2 - आयोटा, फिर क्या है माइनस, माइनस करेंगे दोनों माइनस हो जाएंगे -1 - आयोटा और प्लस है 1। अब देखो आयोटा ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा 2 + 1 = 3 + 1 = 4 बाई 2 एज इट इज आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया और -1 - आयोटा - आयोटा - 2 आयोटा, 2 हम नीचे से कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 2 1 - आयोटा, 2 से कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आया 2/1 - आयोटा, डिवाइड में तो रैशनलाइजेशन करेंगे मल्टीप्लाई 1 + आयोटा और 1 + आयोटा से डिवाइड कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 + आयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्केयर - आयोटा स्केयर, 2 × 1 + आयोटा और इसका स्केयर करेंगे तो 1 का स्केयर क्या आएगा 1 और माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल क्या आया 1 + आयोटा। फिर हमें क्या निकालना है इसका मॉडुलस, और मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि a² + b² अगर हमें कोई भी a + iota b है इसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या करते हैं √a² + b²
कोफिशियंट, अब यहाँ देखो इसका कोफिशियंट क्या है, वन, वन का स्केयर प्लस आयटा का कोफिशियंट क्या दे रखा है, वन, तो वन का स्केयर वन, वन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट टू, और यही हमें फाइंड करना था। ये थे हमारे आज 10th तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।